नमस्ते, मेरा नाम नीलेश विश्वकर्मा है। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं किस्सा गांव के विकास का, तो जो कि इसी मुहिम के तहत आज हम खड़े हैं अयोध्या ज़िले के ब्लॉक हरनटीनगंज के ग्राम सभा हरिरामपुर है। और हम यहां पे इस गांव में आज हम बात करेंगे यहां के विकास के बारे में, क्या लोगों को जो है अभी तक लाभ हुआ है सरकार द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा, इस ग्राम सभा में कितने विकास के आयाम खड़े किए गए हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। ये आवास जो मिला है आपको सरकार द्वारा, कितना दिन पहले ये आपको मिला? 5-6 महीना हो गया या का? 5-6 महीने हो गए। अच्छा, इसके लिए पैसा आया होगा खाते में? कितना आया था पैसा? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 पूरा मिल गया आपको? अभी खाता नहीं चेक कराए हैं। अच्छा, अभी नहीं खाता है। हालांकि ये उतने में ये पूरा जो है बन अभी नहीं, तो अपने लग से लगाए हैं। इसमें अभी कुछ लगाए हैं। अच्छा, पहले से अब कितना अच्छा तो लग ही रहा है। हाँ भैया, हाँ पहले से ज्यादा बेटर। हाँ। अच्छा ये बताइए, राशन कार्ड है आपका? हाँ, सूची है। अभी कार्ड नहीं मिला है। कार्ड नहीं मिला है? राशन मिलता ही नहीं? हाँ राशन मिलता है। कितनी यूनिट का राशन मिलता है, कितने किलो? 6 जने हैं। 6 किलो? 6 लोग हैं? हाँ 6 जने। तो जाहिर से 30 किलो होता। हाँ 30 किलो होगा। कोटेदार यहाँ पे राशन की कटौती तो नहीं करते, पूरा राशन देते हैं? अब भैया सबका दिया था, हाँ तो ऐसे हमको दिया था। नहीं नहीं, इसमें संकोच वाली जो जो सही बात है वो बताइए, क्योंकि जो जब सही बताएंगी तभी उसका कोई जैसे सबका देता है वैसे हमको दिया था। आप हाँ। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो 30 किलो आपका हाँ, जो यूनिट कम बनता तो कम तो रहता कम है? हाँ, कम तो रहा था। तो ये कोटेदार का आपका कहने का मतलब है राशन ये सबको जो है कुछ ना कुछ कम जरूर हाँ, देते कुछ हैं। रहा था। अच्छा, ये पता कैसे चला? ये आप ही के साथ होता है कि सबको सबके साथ कटौत है? तो सबके साथ सबके साथ है वो तो। अच्छा, आपके गाँव में सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, नाली वाली कुछ बनवाए हैं? नाली इधर नहीं, अब पक्की बने ही हमारे वाला। अच्छा, शौचालय मिला आपको? हाँ मिल गए। क्या नाम है आपका? सर्वादेन। आपको कुछ अभी तक लाभ हुआ है चाचा कि नहीं, सरकार की तरफ से क्या लाभ हुआ है? सरकार तरफ से क्या लाभ हुआ, यह आवास मिला भैया 35,000। ये आवास मिला है आपको? हाँ। कितना दिन पहले मिला है आवास? अरे होगा 2013 में। अच्छा, ये आवास जब मिला तो ये जो मौके पर प्रधान हैं यही प्रधान थे कि कोई दूसरा था? नहीं, साली प्रधान ज्यादा रहे चले। अच्छा, दूसरे वाले प्रधान थे। अच्छा, तो ये पैसा आपका कितना मिला था सरकार द्वारा इसमें? इसमें 35,000 मिला था। 45,000 आवा रहा, 55 आवा रहा। 55 मिलवे नहीं भा, 4500 नहीं मिली, 7,000 हम घूसा ऊपर से दे लिए आपसे। कौन घूस लिया ये? हाँ आधार प्रधान लिए थे। प्रधान लिए, सेक्रेटरी लिए, के लिए और बुलाई गई हमसे बस। प्रधान कौन थे पिछले वाले, क्या नाम था? सालीग्राम, सालीग्रामपुर प्रधान जो इस समय है। उन्होंने पैसा ले करके तब आपको हो मकान का पैसा आपको मिला सरकार द्वारा, हालांकि वो भी पूरा पैसा नहीं आपको मिला, पैसा 55 मिलना था। 45 की आपकी उम्मीद थी, उसमें से भी 10 की कटौती होगी, 35,000 रुपये आपको मिला था। कहने का मतलब तो ये इतने में तो आपका ये मकान बना नहीं रहा होगा? नहीं, 30,000 लगा उसमें और भी पैसा लगाए थे आप। अच्छा, तो क्या इसकी शिकायत जब आप संतुष्ट नहीं हुए किसी अधिकारी से या किसी और से आपने शिकायत किया कि पैसा भी ले लिए, हमारा पूरा पैसा भी नहीं आया है? मैंने उन्हें डायरेक्ट खुद कहा, लेकिन वो प्रधान से नहीं। हाँ, उन्होंने कहे कहा भैया कुछ कम कह लियो, थोड़ा ना लियो। तो क्या बोले? कहे नहीं, नियम है। अच्छा, नियम है कि इतना ले करके तभी इतना पैसा दिया जाएगा, ये नियम था उनका, कहने का मतलब ये। चलिए ठीक है, अब तो उनकी प्रधानी चली गई फिलहाल, अब तो नहीं है मौके पर प्रधान, तो चलिए कोई बात नहीं। राशन कार्ड है आपका? हाँ है। राशन मिलता है? हाँ। दादा, हमने सुना है कि कोटेदार राशन में कटौती करते हैं, कम राशन देते हैं। अब ऐसा तो लोग भले कम कर देते हैं, हिसाब जो जितना मिलत है उतना मिलत है, उतना मिलता है। लेकिन जो कार्ड पीट लिए भाई खराब फटाक हुए, लेकिन हम तो भैया कब तो कांटा जो है कभी तोलते हो, कोटेदार का जो कांटा है इलेक्ट्रिक कांटा आ गया है। हाँ, हाँ। अब वो तराजू वाला नहीं है ना, बाट वाला। समझ गए, इलेक्ट्रिक तो आवाज कंप्यूटर वाला। हाँ, तो अभी ये तराजू वाला रखे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक कांटा आ गया है। पेंशन बनी है आपकी? हाँ, पेंशन हवा बनी है, करीब 62 बनी है। अच्छा, पेंशन मिलती है? 62 बनी है। अच्छा, समस्या यहाँ काफी होगी कि अच्छा खेती होती है दादा? खेती है भैया। कितना खेती होगी लगभग? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। हाँ। अच्छा, खेती का जो हालात है इस समय कह लिया जाए कि पट्टा वाली जमीन है? हाँ, जो आप उसमें बुआई होती होगी जब वो बड़ा हो जाता होगा। हाँ।
तो बचाने के लिए क्या करते हैं इस समय? तो छुट्टा जानवर बहुत समस्या कर रहे हैं खेत के। अरे भैया रोद बाद लगे आलू लगाए करुआ थे तब तो तारी चढ़ हाल गए काल चपट गए अब ले बच रहे कल के रात चल रही। काफ़ी परेशानी तो है। बहुत परेशानी है। अच्छा यहाँ गौशाला नहीं है? गौशाला यहाँ नहीं है। गौशाला नहीं है? अच्छा। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं इस समय ग्राम सभा हरिरामपुर में, अभी हमने यहाँ के लोगों से बात किया और देखा कि किस तरीके से यहाँ पे विकास के कार्य किए गए हैं, कितने लोगों को सरकार द्वारा क्या अभी तक लाभ हो पाया है, कितने लोगों को पेंशन बनी है, सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, सारी जानकारी लेने के बाद और यहाँ पे निर्माण भी कार्य कुछ चल रहे हैं उनसे भी हमने बात किया और सारी जानकारी लेने के बाद हम आ गए हैं सीधे ग्राम प्रधान जी के निवास पर। आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनके 4 साल के कार्यकाल में विकास के कितने आयाम खड़े किए गए हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? शिव यज्ञ तिवारी। चलिए ठीक है, शुभ नाम था ये आपका, बहुत अच्छा है। क्या बताएंगे आप हमको कि 4 साल के कार्यकाल में अपने आप जो है किस तरीके के आप क्या क्या विकास किए हैं, कितना मजरा है आपका, क्या हर मजरे में हर ग्राम सभा में आप कितना विकास कार्य किए? हमने जो है लगभग 2 किलोमीटर कच्ची सड़क की पटाई कराया है नरेगा द्वारा और लगभग 1 किलोमीटर से अबव खड़ंजा कार्य कराया है। खड़ंजे की मरम्मत का कार्य विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ डैमेज था वहाँ वहाँ मैंने खड़ंजे की मरम्मत का कार्य कराया है। नालियाँ बनवाई है और ये क्या कहते हैं हैंडपम्प मरम्मत वगैरह समय समय पर जो भी मुझसे आकर के ये कहता है कि भैया सरकारी हैंडपम्प यह ख़राब है उसको तत्काल में बनवाने का कार्य करता हूँ। विधवाओं की पेंशन मैंने जो है करीब 15 विधवाओं की, छोटी पंचायत है हमारी 1200 आबादी की, और मैंने करीब 15 विधवाओं की पेंशन बनवाया है और वृद्धावस्था पेंशन 15-20 के आसपास मैंने बनवाई है। जो भी देखते हैं कि यह व्यक्ति उस क्राइटेरिया में है उसका बिल है उसका मैं पेंशन बनवाया और विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन और ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ करीब 42-45 लाभार्थी थे आवास के, प्रधानमंत्री आवास के, मैंने सिचुरेट किया सूची फुल जो है जो प्रायोरिटी सूची बनी थी उसमें से लगभग सारे लोगों को मैंने लाभान्वित कराया जो पात्र थे और उसमें क्या कहते हैं प्रायोरिटी सूची में कुछ अपात्र भी आ गए थे 2-4 उनको हटाया गया जांच कर उनको जो पात्र थे उनको। अच्छा कितनी संख्या में कह लिया जाए कि आपके ग्राम सभा में जो ये आवास के लाभार्थी हैं जी कितने लोगों को प्राप्त हो पाया? लगभग 36-37 के आसपास 36-37 के आसपास लोगों को मिल पाया है। ये 1100-1200 की आबादी में इतने जो लाभार्थी थे इतने लोगों को मिल पाया है। दो मुख्यमंत्री आवास भी है। अच्छा। दो लोगों को मुख्यमंत्री आवास, हाँ दो विधवाओं को इसमें दुर्घटना वाले में इनको मुख्यमंत्री आवास भी मैंने दिलवाया है। अच्छा। प्रयास करके। अच्छा ये मुख्यमंत्री आवास में ये प्रधान जी कितना क्या इसका क्या पैसा आता होगा? लगभग 120 उसमें भी आता उसमें भी। अच्छा हम समझे कोई अंतर होगा? नहीं कोई अंतर नहीं है, सेम वही है। अच्छा, नाम खाली चेंज है, धनराज शासन द्वारा सेम निर्धारित है प्रधानमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री आवास में, केवल नाम चेंज है। शौचालय की हम बात करें यहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत जो गांव के लोग हैं कितने लोगों को, जिस तरीके से आपने आवास की चर्चा की है और हम शौचालय की चर्चा अगर हम करते हैं तो कितने लोगों को जो है इस 1200 के ग्राम सभा में इस आबादी में कितने लोगों को प्राप्त हो पाया? यहाँ करीब 200-250 परिवार हैं, करीब 250 परिवार हैं और 250 परिवारों में 157 की हमारी वेस्ट लाइन सर्विस सूची थी जिनको मैंने फुल सिचुरेट किया और अच्छे ढंग से किया उनको, और ये क्या कहते हैं उसके बाद एलओबी की सूची आई 22 के आसपास जो है 22 एलओबी की सूची थी जो अतिरिक्त बढ़ा उसको एलओबी कहा गया, वहाँ शासन स्तर पर उसको एलओबी की सूची कहा गया जो बाद में बढ़ाए गए तो 22 मैंने उनको 22 उसमें हुआ। सफाई कर्मी की बात करते हैं यहाँ पे नाली की निर्माण जो कुछ तो नहीं हुई होगी यहाँ पे? हाँ नाली का निर्माण तो उसमें सफाई कर्मी तो जरूर आते हैं। सफाई कर्मी प्रतिदिन हमारे यहाँ आते हैं। एक सफाई कर्मी? नहीं
ने, हमारे यहाँ तीन राजस्व गांव हैं छोटे छोटे, तीनों में तीन सफाई कर्मी हैं क्रमशः, और विद्यालय सरकारी स्थलों की भी सफाई करते हैं और रास्ते की भी साफ सफाई करते हैं, नालियाँ भी साफ करते हैं, बराबर आते हैं तीनों। अच्छा चलिए ठीक है। चार साल का जो आपका कार्यकाल रहा, बड़े अच्छे से जिस तरीके से आपने बताया कि जो कार्य विकास किए हैं, एक साल का जो कार्यकाल आपका बचा है, क्या आप सोचते हैं अपने ग्राम सभा के लिए कि अभी ये काम हमें करना बहुत ज़रूरी है अपने ग्राम सभा के लिए? जी हाँ, क्या ऐसा क्या बचा है? जी हाँ, हमारे यहाँ भी सरकार द्वारा जो है कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, प्राइमरी स्कूल के अलावा जो है हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, न बारात घर की केंद्र नहीं है और बारात घर भी नहीं है। इन चीज़ों के लिए मैं प्रयासरत हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, मजबूर होकर के बैठ जाता हूँ। अच्छा, हाँ, आपका प्रयास है? हाँ, मेरा प्रयास बराबर चलता रहता है, प्रस्ताव करके भेजता रहता हूँ। और ये छोटी गांव पंचायत होने के नाते यहाँ इतनी धनराशि नहीं होती है कि जिससे मैं उसका निर्माण करा सकूँ। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मौजूद थे हमारे साथ इस समय हैं ग्राम सभा हरिरामपुर के प्रधान जी, इन्होंने बताया बहुत बाखूबी तौर से कि किस तरीके से अपने चार साल के कार्यकाल में क्या विकास के कार्य किए गए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ही तमाम वीडियो न्यूज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।